हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हाय, आई एम समायरा खान और आपने मुझे बहुत सारे वेब सीरीज और फिल्में देखा होगा। आई एम एन एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। समायरा, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आप हैं कहाँ की बेसिकली, थोड़ा सा? मेरा जो बॉर्न है वो कोलकाता का है, ब्रॉट अप दिल्ली का है। और स्कूलिंग जो है वो मेरी इनिशियली स्कूलिंग जो है वो धनबाद से हुई है, वासेपुर से। बेसिकली मेरी मम्मी जो है वो धनबाद से हैं, झारखंड से। तो इनिशियली स्कूलिंग जो है वो धनबाद सिटी स्कूल से हुई है। बाकी ग्रेजुएशन मैं दयाल सिंह कॉलेज से किया है और MBA मैंने NDMI इंस्टीट्यूट से किया हुआ है दिल्ली। आपकी अगर एक्टिंग की बात करें तो कहाँ से आपकी जर्नी की ये शुरुआत हुई, क्या ये आपका बचपन का ड्रीम था, कॉलेज लाइफ थी क्या थोड़ा सा? यस, ये मेरा बचपन का ड्रीम तो था, बिकॉज मेरे पापा जो हैं वो सत्यजीत रे थिएटर ग्रुप से थे और ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली और बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कुडंट परस्यू हिज पैशन। बट उनका जो पैशन था दैट आई हैव टेकन इट एंड मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, एक्ट्रेस बनूँ। बट बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली और एज आई सेड कि धनबाद जैसी जगह पे अगर आप किसी को बोलोगे कि आप एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो लोग हंसते हैं, यू नो। सो मैंने कभी ये ड्रीम अपना किसी से शेयर नहीं किया और इट वॉज ऑलवेज विथ मी। सो मैंने MBA किया, मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया, HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से मेरा रहा है, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। सो बेसिकली जब मैं जॉब करती थी तब मुझे बहुत सारी चीज़ें पिंच होने लगी, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू परस्यू माई करियर एज एन एक्ट्रेस, यू नो। लेकिन एक फेस होता है, हमारी सोसाइटी स्टेटस ऐसी है, हम लोग इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक रेपुटेशन है, एक नाम है। तो अगर मैं इनिशियली एक्टिंग में जाती तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रही है। सो फॉर दैट मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, पहले MBA कर लेती हूँ, कॉर्पोरेट में जॉब कर लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि कॉर्पोरेट का लाइफ कैसा है। बट कॉर्पोरेट करते करते मुझे समझ में आया कि यार ये तो वो नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरी अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही मैं वो क्यों करूँ। और जिसके लिए आवाज़ आती थी वो था एक्टिंग। सो फिर मैंने फाइनली अपने आप को एक चांस दिया, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ, लाइक कोशिश तो कर ही सकती हूँ, कामयाब हूँ ना हूँ वो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सो ये मेरा एक थॉट था। सो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मैं जॉब अच्छे लेवल पे जॉब कर रही थी और मेरे को ऐसा लगा बस अब बहुत हो गया, मैंने खुद को टर्मिनेट करवाया, रिज़ाइन भी नहीं दिया, टर्मिनेट करवाया, बिकॉज मुझे था कि बस हो गया है, अब मुझे वो करना है जो मैं एक्चुअली में करना चाहती थी। आई रियली फॉलो माई पैशन एंड एक्टिंग इज़ माई पैशन इन अ वे। सो देन आई हैव टेकन अ डिसीजन और उसके बाद फिर मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। यू नो, एक टाइम था जब मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करते, तो मैं उठ के एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में, रात भर सोई नहीं और सुबह सुबह मॉर्निंग में जाके NSD चली गई और NSD में जाके मैंने बात किया कि मुझे एडमिशन देना है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कंडीशंस बताए कि आपको ग्रेजुएशन होना है, आपको इतने सारे 8-10 प्लेज में पार्टिसिपेट करना है। ये सारी चीज़ों को बताने के बाद मैंने बोला यार ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है, अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला एक काम करती हूँ, 0 से शुरू करती हूँ। सो देन आई हैव स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रैच। मैंने एक थिएटर ग्रुप में कॉल किया, उनसे बात किया, उनके 2-3 प्लेस देखे, देन मैंने डिसाइड किया नहीं बॉस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। फिर मैंने उनसे बात करके जो है थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, प्रयास कला मंच थिएटर ग्रुप का नाम है। और जो मेरे गुरु हैं उनका नाम है सुंदरलाल छाबरा, ही इज़ आई NSDN, बहुत अच्छे इंसान है। तो जब इनिशियली थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था ना, दैट डे वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन माई इंटायर लाइफ। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उस दिन मैंने वो इनिशिएटिव लिया जो एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ। और उसके बाद से फिर मेरा थिएटर का जर्नी शुरू हुआ। मैंने बहुत सारे बैक टू बैक प्लेस किए जो कि काफ़ी हिट प्लेस थे, जैसे कि उजबक राजा, 3 डकैत, ये मैंने काफ़ी प्ले किए। उसके बाद पंच लाइट किया, आफ्टर 1931, ऐसे बहुत सारे प्लेस मैंने किए दिल्ली में। एंड देन जो मेरे गुरु थे उन्होंने ही मुझे हिम्मत दिया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा कर रही हो और आगे जो है इसको परस्यू करो और मुंबई जाओ। और एक बात बताना चाहूँगी, जो एक्टिंग का कीड़ा है ना, ये मेरे को बचपन से इसलिए था क्योंकि मैं जब स्कूल में भी थी
और जैसे होता है ना कि एनुअल फंक्शन और कुछ होता है तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा हमेशा से एक मोटो था कि मैं अपना एक प्ले लिखूं, उसको डायरेक्ट करूं और एक्ट करूं. तो उसमें मेरा एक प्ले था, बहुत फेमस हुआ था, फेविकॉल का चम्मच. इट्स अ कॉमेडी प्ले. सो वो एक मेरे को बहुत हिम्मत था कि हाँ मैं कुछ तो कर सकती हूँ लाइफ में. एक इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, बट वो हमेशा धीरे 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 बचपन से यू नो बिल्डअप होता रहा होता रहा होता रहा. एंड देन फिर मैं मुंबई मूव की थिएटर करने के बाद, तो यहाँ पे मेरे को कुछ कॉन्टैक्ट था नहीं, बट ऐसे ही आ गई मैं बस यू नो कुछ 2-3 हज़ार रुपये लेकर कि मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था, रिज़ाइन कर दिया था. सो आराम नगर गई, वहाँ पे काफ़ी जगह पे इंट्रोडक्शन दिया और ऑडिशंस दिए काफ़ी जगह पे. तभी वहाँ पे मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो दिल्ली से थे, थिएटर ग्रुप से थे. तो उनमें से एक शख्स ने मुझे प्रोडक्शन हाउस में किसी से मुलाकात कराई और उन्होंने मुझे कहा कि इनसे एक बार मिलिए. एक बार बात हो गई मेरी और तब मैंने पहला एक शो किया था, स्टार प्लस का था, हर शाख पे उल्लू बैठा है. इट वॉज़ अ हिट शो. और वो एक किया, उसके बाद सेम प्रोडक्शन से मैंने किया बीच वाले बापू देख रहे हैं सब टीवी पे. एंड उसके बाद फिर मैंने और बैक टू बैक 3-4 सीरियल्स की, मैंने वो अपना सा किया जी टीवी के लिए, फिर लालिश किया एन टीवी के लिए, फिर सीआईडी के टीम के साथ जो मेरा हमेशा से था, बिकॉज आई ऑलवेज मैंने बचपन से उनको देखा, सीआईडी देखा है और जी हॉरर शो देखा जो मेरे पापा का भी हमेशा फेवरेट रहा है. तो उनके साथ भी मैंने काम किया, दंगल पे एसटीडी करके एक शो आता है उस पर मैंने उनके साथ काम किया सीआईडी के टीम के साथ. एंड देन अभी मैं जो जी हॉरर शो के राइटर हैं उन लोगों के साथ मैं कर रही हूँ, एक सीरीज़ है जो आने वाली है बहुत जल्दी, वो भी हॉरर सीरीज़ है, इस गोना बी रिलीज आई गेस जून या जुलाई में वो लोग करने वाले हैं. सो उसमें भी सारे बड़े अच्छे कास्ट हैं. उसके बाद फिर मेरे करियर की ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई. मैंने 3-4 तेलुगू की फिल्म की हुई है, अगर आप देखोगे तो अमृता, एवरी माटा, विनधु, वो मेरा पहला फिल्म है जिसमें मैं सोलो हूँ, हीरो भी मैं हूँ और हीरोइन भी मैं हूँ. उसके अलावा मैंने कन्नड़ फिल्म की है, मिसिंग स्वामी, चेतीलो चाहिए सी चेपू बाबा, ये तेलुगू फिल्म की है मैंने, ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी तेलुगू की. एंड अभी मेरी एक फिल्म है नादिकर करके, मलयाली फिल्म है, वो रिलीज़ हुई है. बाकी हिंदी में मैंने बंदिश बैंडिस किया था एंड अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ है, और दुर्गामती मैंने किया है. एंड एमएक्स प्लेयर पे मेरी सीरीज़ रिलीज़ है द जोकर, जिसमें मैं हितेंद्र रेजवानी के अपोजिट हूँ. मचान पे ऑलरेडी मेरी एक सीरीज़ रिलीज़ है, सॉरी हंगामा पे रिलीज़ है, सीरीज़ का नाम है मचान. जिंदगी रीसेट एक सीरीज़ है जो एमएक्स प्लेयर पे रिलीज़ है. तो ऐसे मैंने काफ़ी और सीरीज़ की हैं. पहल कौन करेगा एक फिल्म है जो अबाउट टू रिलीज़ ऑन जियो. सो ऐसे काफ़ी और सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं कमिंग टाइम में. और ठीक है, अभी करियर की शुरुआत हो चुकी है. आई एम वर्किंग, साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर रही हूँ मैं, बॉलीवुड में भी काम कर रही हूँ, सीरीज़ भी कर रही हूँ, गाने भी किए हैं मैंने, मेरे 2 गाने भी रिलीज़ हैं. सो इन अ वे दिस इज ऑल आई हैव स्टार्टेड. सो ये तो बस अभी बिगनिंग है. आपको बाहर से इंडस्ट्रीज कैसे लग रही थी जब आप स्टार्टिंग में आई थी, और फिर जब आप यहाँ पे आई तो आपको कैसा लगा, कितना हार्ड वर्क है यहाँ पे, काम पाना इतना आसान है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसके बारे में थोड़ा बताइए. आपने इतना सारा काम बता दिया, आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हो. सो ऑब्वियसली बाहर से अगर आप देखोगे तो इतना आसान लगती है, उतना है नहीं है. मैं एक टीवी शो देखती थी, खबरें बॉलीवुड की, मेरा फेवरेट शो था. तो जब मैं उसको देखती थी, पूरा टाइम निकाल के देखती थी, जब मैं उसको देखती थी तो मुझे बहुत मज़ेदार लगता था. मुझे लगता था वाओ कुछ तो है, तो मिर्च मसाला लगा के ये सब देख के मुझे बड़ा मज़ा आता था. तो मैं सोचा कि यार ये जैसा दिख रहा क्या ऐसा है. अच्छा, मेरा जो देखने का नज़रिया है, चीज़ों को समझने का नज़रिया, वो थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी है. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी द थिंग्स बिहाइंड द सीन. तो इन दैट वे एक चीज़ तो मुझे पता थी कि आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी, कुछ भी, चाहे आप कॉरपोरेट में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी आसान नहीं होता है. मेहनत हर जगह लगती है, ठीक है, स्ट्रगल हर जगह करना होता है. कहीं आपको दिखता है और कहीं नहीं दिखता है. अगर हम, मैं आज यहाँ बैठी हूँ और बात कर रही हूँ, तो इसके पीछे की जो मेहनत है वो मैं सिर्फ जानती हूँ. और मैं सिंपैथी लेने के लिए बताना भी नहीं चाहूँगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट आप किसी भी फील्ड में हो, मेहनत होता है.
बाहर से मुझे बहुत सुंदर लगती थी, अभी भी बहुत सुंदर है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है. डिपेंड करता है आप कैसे हो. अगर आप अच्छे हो तो आप हमेशा अच्छे लोगों से कनेक्ट करोगे, लेकिन अगर आपकी नीयत थोड़ी सी खोट है तो फिर आपका एक्सपीरियंस ऊपर नीचे हो सकता है. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी. 5 साल में आपने काफ़ी वर्क कर लिया, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ में आपका मतलब दिल करता है काम करने. ऑफकोर्स मैं कहो ना प्यार फिल्म आई थी तब मैं काफ़ी छोटी थी और ऋतिक रोशन लॉन्च हुए थे. ऋतिक रोशन इज़ माई टाइप एक्चुअली, राइट. और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई थी, उनकी लाइफ की जर्नी से बहुत इंस्पायर हुई थी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और ही इज़ अ स्टार एक्चुअली. सो आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ हिम. और ये मेरी जो इच्छा है ना, ये तब से जब से कहो ना प्यार रिलीज़ हुई थी, तब मैं बच्ची थी, लेकिन तभी मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं ऋतिक रोशन के साथ काम ज़रूर करूँगी. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी हो जाए. he is my favorite actor. I really want to work with him. ऋतिक रोशन है, उसके अलावा भी और काफ़ी नाम है, बट पहले मैं एक नाम अगर बोलोगे तो मैं पहला नाम यही लेना चाहूँगी. थैंक यू सो मच.